और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे। मुझे लग रहा है इसके पेट में दर्द है, बुखार भी, क्योंकि कल भी इसको बुखार था। अब भी पिलाऊंगी मैं अच्छी को पास दवाई, रखो। बस ये ठीक हो जाए, हम कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। कैसे आए थे 10 मिनट में? ठीक, वो वाइप्स लेके आया, वाइप्स से क्लीन करेगा भाई को। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो रात के बज चुके हैं 4, यानी सुबह के 4 बोल सकते हैं, पूरे 4 बज गए। और जायद की तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब, तो अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे। 6 बजे से लेके अब तक जायद सोया नहीं है और बार बार रो रहा है। मुझे लग रहा है इसके पेट में दर्द है, बुखार भी, क्योंकि कल भी इसको बुखार था। तो क्या लगता है? पता नहीं क्यों मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि ना बहुत देर हो गई है, पिछले से ये 7 घंटे हो गए। ऐसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, 10-15 मिनट सोता है फिर उठ जाता है। मैं इसको दूध भी पिला रही हूँ, दूध को भी देख के मुंह घुमा रहा है, पेट भरा हुआ है इसका, पक्का पेट में दर्द है। चल कोई बात नहीं, डॉक्टर देख लेंगे ना, हमको चला नजर लग गई। हाँ मुझे भी लग रहा है नजर लग गई। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा परेशानी होती है और कभी भी लापरवाही ना करें आप लोग भी। आपको लगे ना बच्चा थोड़ा सा बीमार हो, आप उसी टाइम उठा के भागे, क्योंकि देखो ये बोल नहीं पाएगा। और जो इनसे एक्सपीरियंस है, वही नर्स होती है। हाँ। मेरे को डॉक्टर सामने समझाया था कि ना माँ को कुछ लगे ना गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़। तो भैया अभी अभी डॉक्टर से चेक करवाया है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसको गैस बन रही है, तो गैस की वजह से बस अभी दवाइयाँ लिखी है। और वो दवाइयाँ अभी हम जाएंगे रास्ते से कोई मेडिकल देखते हैं और जाके वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। जी 7 घंटे हो गए हैं, 7 घंटे से नहीं सोई है, 7 घंटे हो गए। आपको इसकी शक्ल अलग लग रही है ना, थोड़ा बीमार बीमार पेट में इसको हो रहा है दर्द। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी दवाई लेके आऊंगी बेटी की, अब भी पिलाऊंगी अच्छी को दवाई। हाँ केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, यहाँ पे दवाई आ जाओ, केमिस्ट से यही है थोड़ी पास में, 2 मिनट की दूरी पे आ जाओ, वहाँ से ले लेंगे। आ जाओ हाँ, बाहर आओ अभी, चले आराम से आ जाओ। इसको ढक कर देती हूँ। तो हमारे घर का तकरीबन लेडीज डिपार्टमेंट साथ आया हुआ हमारे, और बच्चे जो हमारे 2-3 लड़के पढ़ के हैं वो सब सो रहे हैं, हमने किसी को नहीं उठाया। जो उठे हुए थे हम सब उनको आ गए, सभी आ गए साथ। पायल को घर छोड़ा, चीकू भी घर था, दीपक को छोड़ा पायल के पास, अनुज अनुज और सब नीचे थे, उनको मैंने किसी को बताया नहीं क्या दिक्कत है, हम खुद ही उठ के आ गए। तो गाइस आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी अलग अलग चीजें लग रही थी ना, मतलब कि मैं इतनी परेशान हो रही थी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने इसका कंबल चेंज करा, मुझे लगा शायद मोटा ना लग रहा हो, मैंने इसको सॉक्स उतारी, फिर पहनाई, फिर टोपी उतारी, फिर मैंने इसको अपने हाथ पे सुलाया, मेरे को लगा शायद मेरे हाथ पे सोने की आदत नहीं है, जहाँ ये सोता है वहाँ सुलाऊं। मैंने इतनी चीजें करी फिर मैं हार गई, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है शायद, तो इनको बताती हूँ, पायल को बताती हूँ। पायल और पापा कहते हैं हॉस्पिटल लेके चल, लापरवाही मत कर बिल्कुल भी। तो अभी फाइनली हम पहुँचे हैं एमकेयर हॉस्पिटल और अभी निष्ठा के अंदर दवाई लेने के लिए, और ये हमारे बिल्कुल घर के पास में है, ये सुख बहुत ज्यादा है ना सब पायल बोलो। हाँ ये तो है, सही बात है, बिल्कुल सब कुछ पास में है, कोई भी टेंशन होती है ना। अब क्या बच्चे लाइफ में ना, बच्चों की एंट्री हुई है छोटे छोटे बच्चों की, तो अब क्या धीरे धीरे चीजों की नॉलेज आ जाएगी। जैसे अब मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपको कभी भी इसका पेट ना बच्चे का टाइट लगे ना तो एक दवाई बताइए वो दे देना। अब हर चीज की धीरे धीरे नॉलेज है। काम करेंगे उन्होंने एक थर्मामीटर भी ले लेंगे, हमारे पास था थर्मामीटर, पता नहीं घर में कहाँ चला गया, मैं ना मेडिकल बॉक्स बना लूंगी। दवाई मिल गई? हाँ जी। थर्मामीटर भी ले आए ना? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी घर जाके दूंगी दवाई इसको। तो गाइस मेरी मम्मी भी बताती थी कि जब मैं बीमार होती थी ना तो मेरे को एक सेकंड में हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। अब वो चीज ना इंसान फील करता है जब खुद माँ बनता है ना, और ये चीजें बच्चों बीमार होता है तो ये ज्यादा फील होती है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी बोल लेते हैं, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। बस ये ठीक हो जाए, हम कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। दवाई पता कैसे देनी है? हाँ दवाई देनी है, 1.2 ml देनी है। बस दे देती हूँ। नाक में या मुँह में पिलानी? मुँह में पिलानी ना। और डॉक्टर ने मुझे भी दवाई दी है कि कभी इसको पेन हो, कुछ हो, इन फ्यूचर कुछ भी हो ना, तो ये दवाई भी दी है, ये भी संभाल के रख लेती हूँ। चल बता दियो ना दवाई दे, तो मैं यही हूँ। हाँ पता भी है कितनी पिलानी है? बिल्कुल क्यों नहीं पता है, 1.2 ml पिलानी है। बेटी पी रहा? पी रहा? हाँ पिएगा, क्यों नहीं पिएगा, मैं पिला रही इसको। ठीक फटाफट दवाई पी लो, ठीक हो जाओ और शोई शोई कर लो फटाफट फटाफट। चलो ये चीजें सही है ना, हर चीज होनी चाहिए हमारे पास घर में। तो गाइस आज आने वाले हैं हमारे शफी भैया हैदराबाद से, और वो बस ऑन द वे हैं। चीकू के पापा पूरा रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं चीकू के पापा शफी भैया को लेने के लिए। चीकू भी बहुत हैप्पी है, तो चीकू जल्दी से पापा को बोलते हैं जल्दी जल्दी ले आए भैया को, है ना पापा, जल्दी जल्दी ले आओ। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, मैं हो गया हूँ रेडी, चीकू आ जा चलेंगे जल्दी आ। तो गाइस एक चीज और दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल की लग रही है और मैंने भी अभी देखी है। तो मैडम ये कहाँ से लेके आया? गुड्डू ये मैंने कल ही खरीदा है अपनी न्यू हॉबी से, अर्न किए हुए पैसों से। कौन सी हॉबी? अरे गुड्डू मैं बिनोमो के बारे में बात कर रही हूँ, बिनोमो मेरा एडिशनल इनकम और ब्राइट इमोशन है। बहुत ही कमाल का, चल मैं निकलता हूँ ठीक है। हाँ जी चले जी, चलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग?
और रात को जैद दवाई लेने के बाद आराम से सो गया था। पायल भी सो गई थी, गोलू भी सो गई थी। आप सुबह कितने बजे उठा गोलू? उठा था 9 बजे उठा था और 9:45 सोया। अच्छा, जब मैंने ना रात को ये जब मैं इसके पास 5-6 बार गई, मैंने बोलू गोलू क्या हुआ, सो नहीं रहा। जब भी देखूं ये ऐसे लेके बैठी है। कह रही नहीं पायल नहीं सो रहा है। तो फिर मैंने इसका पेट चेक किया, पेट मुझे टाइट लगा। मैंने तभी बोल दिया, मैंने कहा इसको ना गोलू मरोड़ पड़ रही है पेट में। फिर मैंने पहले हींग लगाई, फिर लास्ट में जाके हमने आपको कॉल किया कि भाई ऐसे जैद सो नहीं रहा है, इसे तबीयत खराब है। फिर आपने एक मिनट में बोला कि तुम लोग ऐसे भी लापरवाही क्यों करते हो, ये बच्चे के मामले में लापरवाही मत किया करो। फिर आप ले गए तो वहाँ पता ही चल गया पेट में दर्द है इसके। रात को क्या था ना, मैं और चीकू घूमने गए हुए थे, बहुत दिनों के बाद पापा बेटा घूमने गए हुए थे और फुल मस्ती की हमने रात को। तो उसी टाइम ना मैं नीचे बैठा हुआ था, नीचे एडिटिंग करवा रहा था, ब्लॉग रेडी करवा रहा था, तो फोन आया कि रात की तबीयत खराब है। बस मैंने फोन काटा, एक सेकंड में ऊपर पहुंचा उसी टाइम हॉस्पिटल। मैं कभी भी लापरवाही नहीं करता, जब पायल हो गोलू हो जाए तो कोई भी हो, मेरा रहता है पहली प्रायोरिटी कि कहीं भी लापरवाही नहीं करते। डॉक्टर 10-10 साल पढ़ाई करते हैं इसके लिए, तो हमें घर पे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, हमें उसी टाइम उठ के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बोल ही नहीं पाता, तो उसी टाइम फिर हम डॉक्टर गए। वैसे भी आपका ये रूल है, कुछ भी हो तुरंत बता दो, है ना। जब मेरे वो हुआ था कैसे आए थे 10 मिनट में, आधे घंटे के रास्ते से 10 मिनट में पहुंच गए थे, स्टूडियो से आ गए थे जब मेरे वो हो गया था, सांस फूल गई थी, रात को सांस फूल गई थी, फिर हॉस्पिटल गए थे, रो रही थी। तो उस दिन रो रही थी मैं। हाँ, और यार एक बार गुड्डू मुझे वो हो गया था, टाइफाइड हो गया था, और मैं ठंड में कांप रही थी, और पड़ोसियों के कंबल उठा के ले आए थे। उस टाइम हम रेंट पे रहते थे दिल्ली, और पायल और हमने लव मैरिज की थी, घर से भागी हुई थी पायल, उसके घर वाले इसको ढूंढ रहे थे। तो क्या हुआ था ना कि मैं मतलब अपना भाग दौड़ करके अपना लगा हुआ था जद्दोजहद में कि हाँ भाई कैसे करना है क्या करना है। तो क्या था, इसको थोड़ा बहुत बुखार था, और ये रात को ना मतलब समरसिबल के पाइप से नहा 1:30-2 बजे नहा के बैठ, क्योंकि ना उस टाइम हमारे पास एसी नहीं होता था, बाहर एक कूलर लगा होता था, बहुत गर्मी थी। एक रूम था जिसका किराया 3,500-4,000 रुपये था, तो बहुत गर्मी थी उसके अंदर, और ये मैं बाहर था उस टाइम, रात के 11 बजे रखे थे। तो बोले कितनी देर में आ रहे हो? मेरा बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, खाना वाना थोड़ा बहुत हम बाहर से लेके आते, थोड़ा बहुत पायल बना लेती थी, पायल को उस टाइम बनाना नहीं आता था खाना। तो बस उस टाइम देखा ये नहा के आया, मैं कांप रही भाई, मेरे लिए तो जमीन पाओ के नीचे। उस टाइम समरसेबल का पानी ठंडा आता था, आज भी ठंडा आता है, आज भी समरसेबल से नहाओगे। मैंने सोचा कि गर्मी लग रही है, कूलर भी नहीं था हमारे पास, पंखा पंखा था, गर्मी लग रही है चल पानी चला के नहा लेती हूँ। ओहो, नहा ली 1 बजे, तो फिर मैं कांपने लग गई। फिर मैं इसको एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया, मतलब ऐसा हो रहा था, मतलब बात ही नहीं कर रही थी। पहले काढ़ा बना के पिलाया आपने, जाड़ बंद हो गई थी, फिर मेरी दांत ऐसे भीच जाते, दांत भीच के। पहले तो काढ़ा बना के पिलाया आपने। अगर पुरानी बातें सोची जाए ना, तो बहुत ही हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल है, पर हमें लग रहा था कि हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा स्ट्रगल है। अच्छा, बीच में याद है हमारे पास सर्दियों का टाइम था, बिस्तर नहीं थे सोने के, चद्दर पे सोते थे हम नीचे ठंडे फर्श पे। बहुत सारी चीजें देखी है, एक एक चीज बताएंगे ना तो लोग यही खत्म हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा और आपके आंसू आ जाएंगे। सच में ऐसे दिन हमने देखे हैं बहुत बहुत। तो ये जो सेवैया बन के आई ना गाइस, इसका मैंने 2 घंटे से वेट किया है। मैं 10 बजे उठी थी, अभी 12 बज रहे हैं। दुकान पे फोन किया था मैंने 10 बजे, भैया सेवैया भिजा दो, तो भूल गए भैया। अभी दोबारा उठ के मैंने दोबारा मंगाई है, तब जाके सेवैया आई, और मेरा इतना मन कर रहा था सुबह से चटपटा खाने का, तो मैंने भी चाय बनवाई है और सेवैया बनवाई खाने के लिए। गाइस मैं ना आपको एक पेज दिखा रहा हूँ, ये पेज फेसबुक पे है, इसकी हमने साइबर में कंप्लेंट भी कर दी है। ये पेज क्या कर रहा है, हमारी सारी वीडियोस उठा रहा है, चलो कोई बात नहीं आप उठाओ। उसके बाद इतने गंदे गंदे कैप्शन लिखता है कि ये मर गया, वो मर गया, बच्चे हुए थे वो मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, मतलब अपने व्यूज के लिए इतनी सारी बदतमीजियां हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। बाकी ये पेज जिसको मैंने अभी दिखाया है, आप उसको देख लो, अगर आप इसके आसपास रहते हो तो। मैं आपको धीरज गुप्ता यानी मेरे मैनेजर की आईडी देता हूं, अगर आपको भी इसका एड्रेस पता है कि ये कहां का रहने वाला है, कौन है, क्या है, आप प्लीज मुझे मैसेज करें और हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। नहीं तो उससे पहले अपना साइबर क्राइम है, उसकी हम हेल्प ले रहे हैं इस पेज तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि इसके माइंड में बहुत नेगेटिविटी है भैया, कोई किसी के लिए इतना गंदा सोच नहीं सकता। जो बच्चे अभी आए भी नहीं है उनके लिए भी लिखता है कि बच्चों को ऐसे हुआ तो मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर गए, मतलब कुछ पैसों के लिए इतना कोई गिर ही नहीं सकता अभी के टाइम पे। यार आदमी ये तो देखो ना, तुम हमारी वीडियो यूज करते हो और उसके ऊपर थंबनेल लगाते हो और उल्टा सीधा बोलते हो, उसको साइलेंट करके तुम अपना वॉइस ओवर लगाते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, इस चीज को हम बहुत ही सख्ताई से देख रहे हैं और बहुत काम करेंगे इस चीज को लेकर। हाथ पैर मार रहा बेचैनी अभी भी इसको। जैद ठीक है बेटा, तभी देखो बेचैनी है इसको अभी, तो इतने कपड़े मत बनाओ ना। नहीं गुड्डू, थोड़ा बच्चा ना वॉर्म में रहता है ना, कोक में रहता है, और कोक में देखो अंधेरा कितना, आंख देखो खोल, कोक में अंधेरा कितना होता है, गर्मी कितनी होती है, एकदम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। बोलो ये बच्चों वाला है क्या? हाँ ये बच्चों वाला है, बच्चों वाला थर्मामीटर लेकर आई हूं। स्पेशली बच्चों का नहीं है, डॉक्टर ने बोला ये वाला थर्मामीटर मेरे को दिखाया कैसे यूज करते हैं, सीधा सीधा लगा के।
अच्छा तो गाइज हमने ना ये टोकरी बना दी है, अभी इसमें टॉयस तो पड़े हैं, टॉयस से ये टॉयस से खेलता तो है नहीं खेलता है ना, अभी आने वाले बच्चों की भी दवाइयाँ इसी में डाल दूंगी। तो मैंने ना इनको ये बात बोली थी, मैंने कहा धीरे धीरे ना हम सबको नॉलेज आ रही है, तो जैसे जैसे ना बच्चे बड़े होते रहेंगे ना वैसे वैसे दवाइयों की टोकरी भरती रहेगी, फिर हमें डॉक्टर के पास ना रश करने की जरूरत नहीं होगी, अगर कुछ होगा तो हम खुद भी इलाज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज है ना। तो गाइज यहाँ पे पौधों का ध्यान ना सिर्फ मैं ही रखती हूँ, अभी इतनी सारी पत्तियां सूखी हुई थी इसके अंदर, इसके साथ साथ और भी सूख जाती, तो मैं पानी का ध्यान, पानी डाल देती हूँ इसमें। और इसमें ना कौन सा खाद डलता है मुझे जरूर कमेंट में बताना, कि जो ये वाले पौधे होते हैं जो घर के अंदर रखते हैं उनमें खाद कौन सा डलता है, क्योंकि जब से ये लाई हूँ ना मैं खाद नहीं डाला इसमें। तो गाइज यहाँ पे मेरे बिस्किट और दूध चाय आई थी, क्योंकि अभी क्या है मैं दूध चाय पी रही हूँ, एसिडिटी ना होना इसलिए दूध ज्यादा पी नहीं सकती, इसलिए दूध चाय पीती हूँ। साथ ही साथ चीकू का लंच भी आ गया, तो चीकू को लंच करा रही हूँ, तब तक पायल गई है नहाने के लिए, और मैंने वहां पर ना जैद का सारा सामान निकाल दिया रेडी होने का। चीकू को लंच कराने के बाद, मैं लंच करने के बाद फिर करूंगी जैद को रेडी। मेरे बचपन में ना मम्मी ना भाई को ऐसे खिलाती थी, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं खाते, देखो चिड़िया आई चिड़िया आई चिड़ी आई चिड़ी आ गई चिड़ी खा गई। आजकल के बच्चे बेवकूफ नहीं बनते, पहले के होते थे बच्चे बन जाते थे ना। तो यहाँ पर ना पायल की जो इचिंग है ना वो जा नहीं रही है सच में। तो गाइज मेरी ना LF की शायद बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, तभी मेरे को जैसे शुरुआत में कौन सा महीना था, छठा था पांचवा, नहीं तेरा चौथा पांचवा था, चौथा पांचवा महीना था ना, उसमें मेरे को इतनी इचिंग होती थी, रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी, और अब फिर से वही वाली इचिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर ने मुझे यूडिलिव 4 बार खाने के लिए बोला, मैंने 1 बार खाई, अभी 2 बार और खानी, 3 बार और खानी है। तो LFT की वजह से ना मैं अभी फिलहाल तो मैं नहा के आई और इतना अच्छा लग रहा है शावर लेके, बहुत अच्छा। और देखो खुजली, एट्रेक्स का मैम ने लोशन भी दिया है पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और मैंने ब्लड टेस्ट कल दोबारा दिया है ना, अब देखो उसमें कितना आता है कितना नहीं आता है। कल दोबारा दिया है यहाँ दिया दोबारा मैम ने कहा। तो पायल का 1 दिन बचा है, 1 दिन बाद ना पायल का 36 वीक स्टार्ट हो जाएगा। 36 वीक्स का मतलब गाइस ये होता है 9वें महीने का पहला दिन, पहला हफ्ता मतलब पहले हफ्ते का पहला दिन, कल तेरा 9th month स्टार्ट हो जाएगा। तो मैम ने मुझे बोला 37 वीक में वो डिलीवरी कर देंगी, 37 वीक के हिसाब से आज है 23 तारीख, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को हो गया एक हफ्ता है ना, तो 31 को 37वां शुरू हो जाएगा। और मैम ने 1 तारीख दी है, पर मैं सोच रही हूँ जब इतने दिन खींच रही हूँ तो 4 दिन और खींच देती हूँ है ना, ताकि एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि तीनों बच्चे एक ही दिन बड़े। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, बात तो फिर मम्मी वाली होगी बता दी। मम्मी एक्चुअली ये है ना, मम्मी मेरे को काफी टाइम मतलब काफी बार बोल चुकी है पायल अगर तेरे हैंडल होगा ना तो कर ले, और ना ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि तीनों बच्चों का बर्थडे, बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि तीनों बच्चों का बर्थडे एक माँ ने 3 बच्चे जन्म दिए वो भी एक ही दिन एक ही डेट पे, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड। और देखो कितना कॉन्फिडेंस है कि मैंने IVF भी कराया, तो मेरा वही ड्यूरेशन रहा IVF का जब चीकू प्रेग्नेंट था, प्रेगनेंसी में चीकू प्रेग्नेंट था, सॉरी गाइस, जब पायल प्रेग्नेंट जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी का था, मतलब नॉर्मल कंसीव किया था वो भी सेम ड्यूरेशन था, और IVF का भी सेम ड्यूरेशन था। और आपने मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने मेरी IVF की जर्नी के बाद किस किस ने IVF कराने का सोचा है और किस किस का सक्सेसफुल हुआ है, तो मुझे ये कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे भी देखना है कि मेरी वजह से किस किस को माँ बनने का चांस मिला है। तो गाइज अभी दोपहर की सर की डाइट बन रही है, इसमें मैंने सैलेड बनाया कुकुम्बर सैलेड, इसमें मैंने पीनट्स और वेजीज सॉसेस डाली हैं, और ये मैंने बनाया है चिल्ला बनाएंगे इसका, बेसन और ओट्स का चिल्ला है ये, इसके ऊपर हम पनीर भी डालेंगे, छोटा छोटा पनीर। तो गाइज जो इसका पेस्ट है ना, इसके जो ओट्स से उसको मैंने पहले 15-20 मिनट्स भिगो के रखा है वार्म वाटर में, और उसके बाद हमने उसको मैश किया है ग्राइंड में, तो इसके बेसन ऐड किया है, वेजीज ऐड किए हैं, जो इसको क्या बोलते हैं दीपक, इसको लेटिस इसमें ये भी काट के डाला है, लेटस। और मैंने चीकू के पापा के कपड़े पहने हैं, क्योंकि चीकू के पापा रूम में सो रहे हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो मेरे नाइट सूट सारे वहाँ पे। कैसी लग रही हूँ नमूनी? भैया के कपड़े में आप अच्छे लगते हो, बहुत सुंदर। आपका नाइट सूट इतना अच्छा नहीं लगता जितना भैया के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो गाइस कमेंट करके बताना भैया के कपड़े या नाइट कितने कमेंट करेंगे वो, मैंने अभी कुछ और कमेंट करने के लिए भी बोला है कि परेशान कर रहा हमारी फैमिली को। क्या हुआ चीकू, ग्लव्स का क्या करेगा बेटा, पहले बता दो ग्लव्स का, दे दो कोई कपड़ा। जैद ने सुसु कर दिया, तो चीकू कह रहा ग्लव्स दे दो मैं इसके कपड़े चेंज कर दूं। बेटा भाई के सुसु पानी जैसा ही होता है, कोई वो थोड़ी होता है, वैसे साफ कर दो हाथ से, ठीक है, अच्छे से करना भाई, आराम से हाँ, ज्यादा दूर से मत खींचना, आराम से। तो गाइज ये होता है भाई का प्यार, चीकू ना काफी देर से ना पैर पे हाथ रख के बैठा हुआ था, क्योंकि ना वो बार बार डर रहा था, चीकू ने इसको सुला के रखा हुआ था तब से, अब जब देखा ना सुसु, देखो चीकू ने ना जो उसकी पैंट वो निकाल के ना उठा ली, और अब जो है जैद उठ चुका है, इसके कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, शावर नहीं दे रहे इसको आज, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब से चल रही है इसकी ना, चीकू वाइप्स लेके आया, वाइप्स से क्लीन करेगा भाई को।
तो लक्ष्य ने बनाई बहुत ही जबरदस्त डाइट। अभी मैं फिनिश करके हटाऊं। और सबसे बड़ी गलती क्या करती है, माइक का तार हटा हुआ था। इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ बोला था खाने से पहले भी, और बहुत ही जबरदस्त डाइट बनाने लग गया। तो ये कह रही है कि मेरे खाने की दुकान खुलवा दो, तो पूछ लेते हैं खुलवा दे। एक काम कर, तो घर को ही खिला दिया खा, वो इधर खाने की दुकान है, ठीक है और कुछ नहीं। तो गाइज यहाँ पे हो गया है जैद रेडी। तो मैं इसको शावर नहीं दे सकती थी, इसको मैंने स्पॉन्ज करा है, अच्छे से रेडी कर दिया। और आज ना इसकी मम्मा, जो इसके लिए नई सॉक्स लेके आई थी ना मम्मा, तो इसने मम्मा वाली सॉक्स पहनी है। पाल मुझे लग रहा है कि डॉगी की सॉक्स तो नहीं है क्या? देखो पीछे पंजा क्यों बना हुआ है, जान की दुकान से लाई हूं। तो इसमें पीछे पंजा देखना ऐसा क्यों बना है? वो शायद पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं पता वो चीज। फाइनली पहुंच गए जिम में, और जिम में कौन है हमारे साथ, उनसे मिलवा देते हैं। और आज करने वाले हम चेस्ट का वर्कआउट, अकेले करेंगे। जो हमारे साथ के थे कुछ लोग अपने घर भाग रहे हैं, ये देखो हंस ले। बता दो देनी कम्मी कहाँ जा रही है। तो इनके मुंह में व्रत रखा है, मैंने कुछ बोलना नहीं है आज पूरा दिन। ये तो बोली तो अभी बता रही हूँ ना बोल के कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, इशारों में बातें करूंगी। करो फिर। और ये कह रही है कि मैं उड़ना चाहती है, मैं जा रही अपने घर, थोड़े दिन मैंने आज़ादी दो। मैं बोला ठीक है भैया जाओ ऐश करो, हम वर्कआउट करेंगे। खतरनाक वर्कआउट करूँगा आज का, मतलब जब तक आ ना निकले। आ जाने की तैयारी भाई? वाह पार्टी में। यार तू तो यार रोज पार्टी वाला लड़का बनता जा रहा है, पढ़ाई पर तो तू हाथ ही नहीं लगाता है, है? ऐसा क्यों? अब जग्गा चाचू और वो चाचू तो मम्मा के साथ गए। आ रही हूँ, आ रही तेरे को लेने आ रहे। ठीक है सीढ़ियों से आएगी? हाँ जी। सारी सीढ़ियों से? कौन से फ्लोर से आया? जीरो फ्लोर से ऊपर। नहीं जीरो फ्लोर से तो नहीं आ सकता चीकू, रास्ते में बेहोश हो जाता। नहीं नहीं पापा मैं पहले भी आता हूँ। पक्का? हाँ जी। तो गाइस फाइनली सफी भाई पहुँच गए, और हम उम्मीद करते हैं कि सफी भाई परमानेंट यहीं रहे, मतलब दो चार दिन घर, 25-30 दिन यहाँ। तो सफी भाई आज क्या करने वाले हैं? हम करेंगे चेस्ट पेक्टोरियल मसल। हाँ तो भैया इनको बहुत नॉलेज है, इंग्लिश में बोलेंगे बहुत सारी बातें, समझ लेना आप। तो सफ़ी भाई भी वर्कआउट सेम ही कर रहे हैं। मैं सफ़ी भाई भी, और क्या ना कि जब मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मतलब मोटा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा था, सफ़ी भाई ने इतना पुश किया, करना अरमान भाई तो जितना हुआ मैंने अब तक कर लिया। और जो आगे की जर्नी है ना, सफ़ी भाई को बहुत नॉलेज है चीज़ों की, शायद सफ़ी भाई के साथ हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम कर रहे हैं पेक्टोरियल मसल, और ये जो सुपर सेट है इससे जो है ना फैट बर्न और मसल फाइबर और मसल वॉल्यूम जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने दो वेरिएशन अल्टरनेट में निपटा दिए हैं। एक था फ्लैट पर फ्लाई और इंक्लाइन पर डबल प्रेस। अभी हम करेंगे केबल क्रॉसओवर पर नेकलाइन के लिए। हैव अ लुक वंस। सारे वेरिएशन हमने निपटा दिए हैं इजीली, वर्कआउट बहुत हार्ड थी, लेकिन भाई का स्टैमिना जो है ना उसको निपटा दिया है जल्दी से। और हमने निपटा दिए हैं तकरीबन 6 वेरिएशन, और ये लास्ट वाला है जो कि इसका प्रेशर पड़ता है ट्राइसेप पर, ट्राइसेप मसल एंड टोटल पेक्टोरियल। इजी भाई, परफेक्ट। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखें और वर्कआउट करते रहें। खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली।